जय श्री राधा माधव। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज का सत्संग प्रभु हमें लेकर खेल रहे हैं। पूज्य श्री राधा बाबा जी बताते हैं, वस्तुतः हम लोग अपने आप को ही भूले हुए हैं। हम लोग शरीर हैं क्या? विचार करने पर पता लगेगा, नहीं, शरीर तो नहीं है। शरीर तो अब तक अनंत प्राप्त हो चुके हैं। अमुक अमुक नाम से परिचित ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। हम लोग इन्हें छोड़ देंगे, निश्चय ही छोड़ देंगे, तब हम लोग कौन हैं? गीता में देखें, भगवान कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हम लोग उन्हीं के वंश के हैं, बिल्कुल उसी धातु के हैं जिस धातु के भगवान हैं, पर हम लोग उनको भूल गए हैं, इसलिए अपने आप को भी भूल गए हैं और सोचने लगे ये शरीर ही हम लोग हैं। यदि उन्हें याद करें, उन्हें बीच में ला रखें, तो पहले अपनी अपनी स्मृति होगी, फिर यह स्मृति जग उठते ही हम लोगों का संबंध इतना निकटतम हो जाएगा कि उस निकटता का वर्णन भी नहीं हो सकता। सच मानिए, हम लोग जितनी देर तक प्रभु को बीच में रखते हैं, उतनी देर के लिए वे बिल्कुल निकट से भी निकट हैं। उनको भूलने पर वे इतनी दूर चले जाते हैं कि उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। वर्णन होना तो दूर की बात है। प्रभु को बीच में रखकर हम दो प्रकार के अनुभव करेंगे। पहला, जो संबंध उनका एक से है, वही संबंध उनका दूसरे से भी है, तथा दोनों समान हैं, दोनों उनके हैं, दो है ही नहीं, एक ही दो बना लिए गए हैं, तीन बना लिए गए हैं, हजार बना लिए गए हैं। किसने बनाए? हमारे स्वामी ने। तो यह खेल ही है? हाँ, खेल है, हमारे स्वामी का खेल। हमें लेकर वे खेल रहे हैं। खूब खेलो नाथ बलिहारी, तुम्हारे खेल की जय हो। जय जय श्री राधा माधव।